नमस्कार, आयुष्मानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को दी शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा में हाई अलर्ट पर प्रशासन। छत्तीसगढ़ से 12,000 किलोमीटर साइकिल से भागलपुर पहुंचा युवक। राजद में जुबान पर ताला लगाने के जारी हुए निर्देश। ऐतिहासिक सीरीज जीत की कोशिश में उतरेगी भारतीय टीम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को दी शुभकामनाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व के शुभ अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि दुर्गा पूजा और दशहरा का पर्व हर्ष एवं उल्लास का पर्व है। दशहरा पर्व को विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। यह हमारे जीवन में संयम और आत्मिक बल का संचरण करने वाला पर्व है। इसके साथ मुख्यमंत्री ने दुर्गा पूजा के दौरान पूरे बिहार में शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। बीएड कोर्स में बची हुई सीटों पर होगा स्पॉट नामांकन। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा की ओर से 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्र में 3 चरणों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बची हुई रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए 10 अक्टूबर से ऑन द स्पॉट चरण के तहत नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। विश्वविद्यालय में आधिकारिक वेबसाइट पर संस्थानों में बची हुई रिक्त सीटों की सूची अपलोड कर दी है। अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार संस्थान में जाकर ऑन द स्पॉट चरण के तहत 10 और 11 अक्टूबर को नामांकन के लिए आवेदन फॉर्म जमा करेंगे। बता दें कि स्पॉट चरण में भी मेरिट के आधार पर ही अभ्यर्थी के नामांकन लिए जाएंगे। दुर्गा पूजा में हाई अलर्ट पर प्रशासन। बिहार की राजधानी पटना में दुर्गा पूजा और दशहरा के मौके पर किसी भी सुरक्षा चूक से बचने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर लिया है। दशहरा को देखते हुए पटना शहर और नजदीकी इलाकों में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। शहर में चप्पे चप्पे पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। शहर की सुरक्षा को देखते हुए 230 जगहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। वहीं पटना जिले में सुरक्षा की दृष्टि से 509 जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। जिला प्रशासन ने पीएमसीएच, आईसीआईएमएस और एनएमसीएच में 10-10 बेड इमरजेंसी में सुरक्षित रखने का निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिया है। सभी अस्पतालों को अलर्ट भी कर दिया गया है। पूर्व मध्य रेल में कैटरिंग में अधिक पैसे लेने वालों पर कार्रवाई। पूर्व मध्य रेल सदैव अपने यात्रियों को उत्तम सेवा प्रदान करने के लिए और कमियों को दूर करने के लिए अभियान चलाया है। इसके तहत जोन के विभिन्न स्टेशनों पर कैटरिंग यूनिट एवं स्टॉल का निरीक्षण किया गया है। मानदंडों के अनुसार बिक्री न करने, अधिक पैसे वसूले जाने एवं अनधिकृत सामग्रियों के विक्री करने के कारण जुर्माना भी लगाया गया। बता दें कि पाटलिपुत्र स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर स्थित अमूल स्टॉल पर जांच के दौरान रेल नीर के अंकित मूल्य से ज्यादा पर बेचने एवं चाय तथा कॉफी को अनधिकृत रूप से बेचने के कारण 1,180 रूपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह दानापुर स्टेशन पर अमूल के स्टॉल पर, कोडरमा स्टेशन पर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर भी अनधिकृत सामग्री जब्त की गई और उसे नष्ट किया गया है और जुर्माना लगाया गया है। देश भर में सिर्फ गया में है महात्मा का गांधी स्तूप। बिहार का गया ही देश भर में एक स्थान है जहां महात्मा गांधी के अस्थि कलश के ऊपर गांधी स्तूप बना हुआ है। इस गांधी स्तूप के माध्यम से सर्वधर्म समभाव के राष्ट्रपिता बापू के सपने को साकार करने का देश के लिए बड़ा संदेश है। बता दें कि वर्ष 1948 में गांधी स्तूप का शिलान्यास तत्कालीन राज्यपाल एनएस अनिल ने किया था। वहीं स्तूप का उद्घाटन तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 28 दिसंबर 1951 को देश को समर्पित किया था। इस स्तूप में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म पर चित्र भी उकेरे गए हैं जो संदेश देता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश को सर्वधर्म समभाव में आजादी के लड़ाई के समय से ही पिरोना चाहते थे और आज ही गांधी जयंती यानी कि बापू का जन्म दिवस है। बिहार में अगले माह तक जेलों को मिल जाएंगे 80 मेडिकल ऑफिसर। राज्य के विभिन्न काराओं में संविदा के आधार पर सामान्य और विशेषज्ञ चिकित्सकों की बहाली नवम्बर तक पूरी कर लेगा। 80 पदों पर होने वाली इस नियुक्ति के लिए 2 नवम्बर से साक्षात्कार लिए जाएंगे। विशेषज्ञ डॉक्टर के 14 पदों के लिए एमबीबीएस के साथ साथ एमडी या एमएस की डिग्री धारी भी पात्र होंगे। वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर होने वाली इस बहाली में नाम की अंग्रेजी के पहले अक्षर के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। बता दें कि कार्य एवं सुधार एवं सेवाएं निरीक्षालय ने 19 सितंबर तक आवेदन लिए हैं। रिक्त की संख्या कम अधिक भी हो सकती है। 65 वर्ष की आयु वाले डॉक्टर ही इन पदों के लिए योग्य माने गए हैं। छत्तीसगढ़ से 12,000 किलोमीटर साइकिल से भागलपुर पहुंचा युवक। भागलपुर में एक युवक छत्तीसगढ़ से 17 राज्यों का सफर करते हुए 12,000 किलोमीटर साइकिल चलाकर पहुंचा। 24 वर्षीय युवक का नाम योगेश कुमार मरकाम है जो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला के लिखमामा गांव का रहने वाला है। ग्रीन इंडिया के अंतर्गत पूरे देश को पर्यावरण बचाने के लिए स्वच्छता का संदेश देना चाहता है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार वाले लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि बिहार के बीच से गंगा नदी गुजरती है, उसे हमेशा साफ रखें, कभी दूषित ना होने दें।
3 से 5 अक्टूबर तक बंद रहेगा गांधी मैदान। 3 से 5 अक्टूबर तक गांधी मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम होना है, उसकी तैयारी को लेकर मैदान के सभी गेट को बंद कर दे ताकि सुरक्षा की दृष्टि से असामाजिक तत्वों का प्रवेश न हो सके। बता दें कि 5 अक्टूबर की सुबह यहाँ तैनात मजिस्ट्रेट एवं कर्मचारियों को प्रवेश की अनुमति होगी। बिहार में आधे से ज्यादा स्कूली शिक्षकों को वेतन नहीं। सरकार ने 30 सितंबर तक शिक्षक सहित सभी विभागों के कर्मियों को वेतन भुगतान का निर्देश दिया था, लेकिन लगभग 2 लाख से अधिक शिक्षकों को दुर्गा पूजा से पहले वेतन भुगतान नहीं हो पाया है। बता दें कि जुलाई और अगस्त के वेतन के लिए कैबिनेट से 22 अगस्त को राशि स्वीकृत की गई थी। शिक्षा विभाग को राशि 13 अगस्त तक मिली। बाद में बीपी के माध्यम से राशि जिलों को भेजी भी गई, लेकिन जिलों से राशि सभी शिक्षकों के खाते में अब तक नहीं पहुंच पाई है। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को कभी भी बिहार सरकार समय से वेतन भुगतान नहीं करती है। 3-4 महीने बीतने पर वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है, उसके बाद भी वेतन भुगतान की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। राजद में जुबान पर ताला लगाने के जारी हुए निर्देश। मुख्यमंत्री पद को लेकर जदयू और राजद नेताओं के बीच जिस तरह से बयान जारी किए गए हैं उसको लेकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव खासा नाराज बताया जा रहे हैं। यही कारण है कि अब राजद प्रदेश अध्यक्ष ने यह आदेश जारी कर दिया है कि अनावश्यक बयानबाजी करने पर रोक लगा दी है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि गठबंधन सरकार या नेतृत्व को लेकर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। जारी आदेश में कहा गया है कि गठबंधन नेतृत्व और उनसे जुड़े किसी तरह के फैसलों पर आधिकारिक रूप से सिर्फ तेजस्वी यादव ही बात करेंगे। बड़ी कसम खाकर पटना से रवाना हुए प्रशांत किशोर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज बड़ी कसम खाकर किंग मेकर से किंग बनने के लिए मैदान में उतर गए हैं। गांधी जयंती के दिन पश्चिम चंपारण के भितिहरवा आश्रम से प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान की शुरुआत होगी। पटना से रवाना होने से पहले प्रशांत किशोर ने बड़ी कसम खाई। उन्होंने कहा कि मैंने तय कर लिया है कि जब तक पूरे बिहार की पैदल यात्रा न कर लेंगे तब तक पटना वापस नहीं लौटेंगे, अब बिहार के लोगों के बीच ही रहेंगे। मेरी यात्रा का सिर्फ एक ही मकसद है, समाज को मत कर बिहार के विकास के लिए सही लोगों को एक साथ एक मंच पर लाना। सुशील मोदी की चेतावनी, शरणलेख को मुक्त करें वरना रोहतास चलो की होगी घोषणा। रोहतास जिले के चंदन पहाड़ी पर मौर्य वंशीय सम्राट अशोक के 2300 वर्ष पुराने शिलालेख को अतिक्रमित कर मजार स्थापित करने का भाजपा नेता सुशील मोदी ने उसे शीघ्र अतिक्रमण मुक्त करने को बिहार सरकार से अपील की है। नहीं तो उन्होंने कहा कि अशोक के बिहार भर के वंशजों को शिलालेख मुक्त कराने के लिए रोहतास चलो का कार्यक्रम घोषित करना पड़ सकता है। सुशील मोदी ने कहा कि 1970 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे संरक्षित स्थल घोषित किया था, लेकिन 2005 में इसे अतिक्रमित कर गुफा के दरवाजे पर ताला लगाकर एक समुदाय विशेष द्वारा पूजा स्थल में परिवर्तित कर दिया गया है। पीएम मोदी समेत दिग्गजों ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आज सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे और इन सभी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि यह कार्यक्रम सुबह 7:30 से 8:30 बजे राजघाट स्थित गांधी समाधि पर आयोजित किया गया था। ऐतिहासिक सीरीज जीत की कोशिश में उतरेगी भारतीय टीम। भारतीय टीम आज यानी रविवार को होने वाले दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना विजय अभियान जारी रखकर सीरीज में अजय बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी। भारत खेल के इस सबसे छोटे प्रारूप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू धरती पर पहले सीरीज जीतने की कोशिश करेगा। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका की टीम T20 विश्व कप में अभी तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई है। उसने आखिर बार 2016 में सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, जबकि पिछले साल वह नॉकआउट में प्रवेश करने में भी नाकाम रही थी। देशभर में आए 5,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी रविवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 3,805 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में कमी हुई है, जिसके बाद राज्यभर में कुल 35 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 20 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन पिछले 24 घंटे में 92,460 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 39 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है प्रकाश रोजक, मृत्युंजय कुमार, प्रदीप कुमार, मोहम्मद मरगोव, संजय शर्मा, बाबुल अमराज, भार प्रकाश मौर्य, अरमान कुमार हंसदा, विपिन कुमार, मोहम्मद नौशाद रजा, कविता कुमारी, शंकर मुखिया, विभा कुमारी, रंजीत कुमार ठाकुर, राजकुमार प्रसाद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में क्या भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत हासिल कर पाएगी। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।